नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋकेश और स्वागत करता हूं बाला टेक्निकल चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ई श्रम कार्ड प्रिंट करने के लिए एक्शन फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप एक्शन फाइल क्रिएट कर देंगे तो आपको जो एक्शन ये ई श्रम कार्ड का जो प्रिंट निकलेगा वो एकदम परफेक्ट आईडी कार्ड की तरह निकलेगा। जैसे मैं यहाँ पे ये जो मैं बनाया हूँ इसको मैं क्लिक करके हटा देता हूँ ताकि आपको दिखा दूँ कि कैसे बनाया। तो मैं इसको भी क्लिक कर नो करके इसको हटा दिया और मैं यहाँ पे फाइल पे आया और यहाँ पे मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं एक ई श्रम कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पीडीएफ फाइल है हमारी स्क्रीन पे आ चुकी है। जस्ट मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो एक्शन फाइल जो मैं बनाया था ये वर्क करने लगा। वर्क करने के बाद ये देखिए आप सकते हैं यहाँ पे जो था वो जो साइज दूसरे तरह से था, इसको यहाँ पे A4 साइज में ये बना दिया है। ये कैसे बनाया है, इस एक्शन फाइल को कैसे बनाया गया है, मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ ताकि आप सीख सकें और जान सकें कि एक्शन फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक्शन फाइल को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ई श्रम कार्ड का जो परफेक्ट आईडी कार्ड की तरह प्रिंट करने के लिए जो आपको एक्शन फाइल में बताने वाला हूं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो फोटोशॉप 7.0 है इसको क्लिक करके ओपन कर लेना हो। तो मैं यहां पे जो फोटोशॉप है मैं इसको ओपन कर लिया। बाकी मैं ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ और ये जो मैं एक्शन बनाया है इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले रीसेट एक्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये भी आपका इस तरह से ये एक्शन जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बाकी मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि आपके जो विंडोज में आपके जो फोटोशॉप में इस तरह का ना आए, तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि इस तरह आपको भी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अगर इस तरह नहीं दिखाई दे रही है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एक्शन फाइल का जो विंडो है उसको लाना होगा। तो यहाँ पे विंडो पे क्लिक करना है। विंडो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्शन फाइल मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो मैं पहले से एक्शन बनाया था वो क्लियर हो चुका है, इस तरह आपका भी आ जाएगा। उसके बाद जो मैं प्रोसेस बताऊंगा उसको बखूबी स्टेप बाय स्टेप देखना है, तभी आप समझ सकेंगे कि एक्शन फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी आप वीडियो को मिस करेंगे तो आप इस चीज को आसान समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप किए देखते रहिए। सबसे पहले मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ जिसे मुझे प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे फाइल पे आता हूँ और मैं इस श्रम कार्ड को ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ये आ चुका है। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी सेटिंग करूँगा एक्शन फाइल जो मैं बनाऊंगा यहाँ से मैं बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इस फोल्डर वाले पे क्लिक कर सकता हूँ, कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्रिएट न्यू सेट। तो मैं इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेट का कोई नाम दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना जो चैनल का नाम है वहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फोल्डर बन गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक्शन बनाने के लिए नाम पूछेगा, तो मैं भी यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, क्लिक हियर टू प्रिंट। और यहाँ पे जो सेट है ये सेट का नाम दिखा रहा है। बाकी अगर कोई फंक्शन की प्रिंट करने के लिए मुझे फंक्शन की देना होगा तो मैं यहाँ से फंक्शन की दे सकता हूँ। बाकी मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, कोई फंक्शन की नहीं देना है। बाकी अगर कलर भी कोई चेंज करना चाहते हैं जो एक्शन फाइल का, तो उसको कलर भी देता। बाकी इन सबों को मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक कर दूंगा। तो रिकॉर्ड पे क्लिक कर दूंगा तो जो भी मैं आप एक्टिविटी करूंगा वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। जो मैं जो भी करूंगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड होने के बाद ही आप जो भी आगे की काम करेंगे वो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग होना शुरू हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगा फाइल पे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा। तो जैसे न्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायलॉग बॉक्स का जो नाम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे जो प्रीसेट साइज है इसको मैं कर लेता हूँ A4। तो जैसे मैं ये यहाँ पे नाम लिखा और ये प्रीसेट साइज जो A4 कर दिया। बाकी इन सब सेटिंग से कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है। आपकी रेगुलेशन जो है 300 तक होनी चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको आ जाएगा। बाकी थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। तो यहाँ पे मैंने इसको जूम भी कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा व्यू पे। व्यू पे आने के बाद मैं एक न्यू गाइडलाइन पे क्लिक करूंगा। न्यू गाइडलाइन पे क्लिक करने के बाद मैं हॉरिजॉन्टल
और यहाँ पे मैं दे दूंगा 0.5 इंच का एक ऊपर लाइन पट्टी, ताकि मैं जो भी काम करूँ उसके नीचे करूँ। तो यहाँ से जैसे मैं 0.5 इंच किया और मैं ओके पे किया, तो यहाँ पे एक पट्टी आ जाएगी। तो इस पट्टी के मैं नीचे ही सारा कुछ जो कार्य होगा इस पट्टी के नीचे ही होगा। बाकी मैं इस पट्टी को बाद में हटा दूंगा ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो सके, तो मैं बाद में इसको हटा दूंगा। उसके बाद जो मैं यहाँ से जो काम करूंगा, ये रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, तो एक ही बार में सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं ये यहाँ से मैं सिलेक्शन लिया और यहाँ पे मैं इसको लाके यहाँ से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं यहाँ से कंट्रोल और एक्स, कंट्रोल एक्स इसलिए किया कि ये जो लेयर था ये पूरा कट गया, और मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल और भी किया, कंट्रोल भी करने के बाद ये जो मेरे इस पेज पे आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल और टी करूंगा। कंट्रोल और टी इसलिए करूंगा कि इसका जो हाइट है, विथ है, इसको थोड़ा मैं बढ़ा सकूँ। तो मैं यहाँ पे इसका जो विथ है उसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 3.55 इंच, और जो इसका हाइट है इसको मैं कर लेता हूँ 2.2 इंच, 2.2 इंच। उसके बाद मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इमेज पे, और यहाँ पे मैं स्टॉक पे आता हूँ। स्टॉक पे आने के बाद यहाँ पे एक स्टॉक जो पीजी इसके चारों तरफ एक स्टॉक लगा दिया जाए, जैसे एक पट्टी लग जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी विड्थ 3 पिक्सल, इसके पिक्सल को आप बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको कलर ब्लैक सेलेक्ट करना है, तो मैं ऑलरेडी ब्लैक सेलेक्ट है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी ओके पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ओके पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इस जो कार्ड है इसके चारों तरफ एक पट्टी लग गई है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ मूव टूल ले लेता हूँ। मूव टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको ले जाके चिपका देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके ये चिपक चुका है। चिपक जाने के बाद मैं ये जो ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिलेक्शन पे आऊंगा और इसको भी मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरह मैं इसको भी सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल एक्स किया तो यहाँ से जो कट हो गया। उसके बाद मैं इसको फिर सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं कंट्रोल भी किया। कंट्रोल भी करने के बाद मैं फिर से इसको कंट्रोल टी किया तो यहाँ पे जो रिसाइज करने के लिए आ गया। फिर मैं उसकी जो हाइट विथ है इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, तो इसकी जो विथ है उसको मैं कर देता हूँ 3.55 इंच, और इसका जो हाइट है इसको मैं कर देता हूँ 2.2 इंच। उसके बाद मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद ये जो है यहाँ पे आ गया। अब इसका जो मुझे स्टोक लगाना है, तो मैं यहाँ पे इमेज पे आऊंगा और इमेज पे आने के बाद स्टोक पे क्लिक करूंगा। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ जो है ये 3 पिक्सल का है, कलर ब्लैक है, इसको मैं ओके कर दूंगा। तो ओके करने के बाद इसके चारों तरफ जो है एक पट्टी आ जाएगी। बाकी मैं इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ कर देता हूँ, तो थोड़ा मैं यहाँ पे जगह बच सके ताकि ये यहाँ से मूव सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फिट बैठ चुका है। फिट बैठने के बाद अभी ये मेरा काम हो चुका है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज, और यहाँ से नो कर देता हूँ, ये क्लोज हो गया। बाकी जो मैं यहाँ पे लाइन लगाया था, ये पट्टी लगाया था, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लियर गाइडलाइन, ये क्लियर हो गया गाइडलाइन। बाकी उसके बाद मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। जो मेरा एक्शन फाइल है ये बन चुका है, मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि आप दिखा दूँ कि ये जो एक्शन फाइल मैं बनाया हूँ ये क्लियर वर्क कर रहा है कि नहीं, जिसको मैं नो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो भी काम किया वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे फाइल पे आऊंगा। फाइल पे आने के बाद मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा और मैं इस वाले को ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ये जो पीडीएफ फाइल है ये आ जाएगी। बस हमें यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो मेरा काम है ऑटोमेटिक ये जो था ये रेडी हो गया है। देख सकते हैं कि ये जो मेरा था ये रेडी होके बन चुका है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत बन चुका है। इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, या इसको मुझे किसी को भेजना है तो भेज सकते हैं, या प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे फाइल पे आऊंगा और यहाँ पे प्रिंट विथ प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे हमारे सामने ये A4 साइज में आ जाएगा। बाकी हम इसको यहाँ पे स्केल जो है 100% है, या चाहे हम इसको प्रिंट कर देंगे तो ये फिट में आ जाएगा, और इसको मैं प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप किसी भी एक्शन फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।